सो गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें रो पर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिला जिसमें उसोस की इंटरफेरेंस थी, मतलब भाई रो एक पेपर व्यू की तरह थी आज, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने कॉलेज जाना है तो जल्दी जल्दी वीडियो बना के जा रहा हूं। सो गाइस, आप ये देखो कि मैच था आज ड्रू मैकइंटायर वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में, एंड ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड है तो बड़े बड़े मैचेस हमें ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे। तो मैच बहुत ही सही जा रहा होता है, बहुत ही सही लड़ रहे होते हैं, सबसे पहले बातचीत होती है, उससे मैचेस शुरू होते हैं, आपको भी पता है। लेकिन उसके बाद रो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस केविन ओवेंस का मैच फाइनलाइज किया जाता है एंड वो लड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें शुरू में तो हमें ड्रू मैकइंटायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, लेकिन गाइस केविन ओवेंस भी कम नहीं है। हमें पता है कि केविन ओवेंस की बहुत ज्यादा मतलब बॉडी है एंड बहुत ही ज्यादा लड़ाई वड़ाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद जब मैच चल रहा होता है, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता केविन ओवेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का। चलो कोई बात नहीं, एक रीजन भी था क्योंकि उसोस इंटरफेयर करते हैं, ड्रू मैकइंटायर को मारने लगते हैं। हमने देखा था कि स्मैकडाउन पर भी ड्रू मैकइंटायर एंड उसोस के बीच में बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही थी क्योंकि ब्लड लाइन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर है, रोमन रेंस के साथ मैच है ड्रू मैकइंटायर का, तो इतना तो होना था। तो ड्रू मैकइंटायर पर उसोस ने अटैक किया, उसके बाद केविन ओवेंस ने ड्रू मैकइंटायर पर फिर अटैक कर दिया। मतलब आप देख सकते हो कि मतलब तीन बंदे वर्सेस एक बंदा, मतलब ड्रू मैकइंटायर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है यहां पर। लेकिन गाइस असली बात पता कहां आती है यहां पर, कि मतलब केविन ओवेंस ने स्टनर मारा है ड्रू मैकइंटायर को, लेकिन उसके बाद भी उसोस आए एंड फिर उन्होंने मार खाई। मतलब एंड में ड्रू मैकइंटायर ऊपर खड़े हुए थे, मतलब एंड सबसे ज्यादा मतलब मार मूर के दूसरों को, केविन ओवेंस तो चले जाते हैं स्टनर मार के अपना, लेकिन उसके बाद उसोस को पीट देते हैं ड्रू मैकइंटायर। मतलब ड्रू मैकइंटायर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर दिखाया जा रहा है रोमन रेंस के मैचअप के लिए। आप मुझे कमेंट्स में बताओ रोमन रेंस या ड्रू मैकइंटायर कौन जीतेगा, किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, मुझे कमेंट्स में अभी के अभी जाके बता दो। सो अगर ये आपको रो बहुत ही ज्यादा तगड़ी दिख रही थी, नेक्स्ट वीक एज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच है भाई, मजा आ जाएगा। मतलब रो मतलब ट्रिपल एच ने मजेदार बना दिया है, टोरंटो में होगा एज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, मतलब बहुत ही सही। अगर आप यहां तक आ गए हो, मैं भी कॉलेज चला जाता हूं, सब्सक्राइब मार दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, लाइक तो आप मार ही देते हो। सो यस, माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।